ये मेरे पीछे गुरुद्वारा रकाबगंज है, जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी अब हेमकुंड साहिब के लिए। और अभी हम बस का वेट कर रहे हैं, आधे घंटे में बस आ जाएगी और हम यहाँ से बस से निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। और कल ऋषिकेश सुबह 6 बजे तक पहुँचने का पूरा इंतजाम है, तो बने रहेगा आप मेरे साथ। ये अब हमारी हेमकुंड यात्रा का पहला पड़ाव रकाबगंज गुरुद्वारे से। बस आ चुकी है और इसी तीनों बसों से यात्रा शुरू होगी हमारी। ये बस अब हमें ऋषिकेश लेके जाएगी। मोदी नगर हाईवे पे एक ब्रेक मिला है। रात के अंधेरे में हाईवे पर बसों और ट्रकों का आते जाते देखना यह एहसास दिलाता है कि दुनिया रुकती नहीं, चलती रहती है, चाहे आप रुके या ना रुके। जिसपे हम ढाबे पे रुके हैं कुछ चाय पीने के लिए, हरिद्वार में आ चुके हैं अब। ये कोरोना के बाद पहला ट्रिप है हमारा ये हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा के किनारे उगते हुए सूरज को देखना यह भी अपने आप में एक कुदरत का करिश्मा है, नजारा है, खूबसूरत ब्यूटी है। हर की पौड़ी की तरफ जाते हुए नहीं पानी के बहुत नहीं कोई वो लगी चेन लगी और आपका बीजी को देंगे सेवाओं की खड़की पड़ेगी। आप आ जाओ पहले। की पौड़ी पे सुबह सुबह गंगा स्नान, मजा आ गया, आनंद आ गया। हरिद्वार में हमें सिर्फ 30 मिनट्स मिले थे नहाने के लिए और हम फटाफट नहा करके आ गए और ये बस हमें दोबारा से ऋषिकेश की तरफ ले जा रही है। अभी हम ऋषिकेश गुरुद्वारे में आ चुके हैं। यहाँ पे 2-3 घंटे का हमें ब्रेक मिला है। 2-3 घंटे के ब्रेक के बाद हम यहाँ से निकलेंगे श्रीनगर के लिए। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का नहीं, उत्तराखंड का। श्रीनगर में जाने के लिए तैयारी है हमारी। ऋषिकेश से हमें ये रूट फॉलो करना है हेमकुंड साहिब जी की यात्रा और बद्रीनाथ जी की यात्रा के लिए। ऋषिकेश से श्रीनगर की तरफ। अभी श्रीनगर काफ़ी दूर है और हमें लंच के लिए ब्रेक मिला है बहुत ही खूबसूरत जगह पे, यानी टिहरी लेक पे। यहाँ पर जब तक लंगर तैयार हो रहा है क्यों ना हम यहाँ पर बोटिंग करी जाए। Thank you.
टेरी लेक पे है और श्रीनगर से अभी 80 किलोमीटर दूर है। टिहरी डैम के पास टिहरी लेक बोटिंग कर रहा हूँ। बोटिंग एंजॉय। मैं छोटी मछली होती समुद्र में होती बड़ी मछलियाँ बीच में भी डॉल्फिन वगैरह पाई जाती है। ना ना डॉल्फिन गंगा जगह है। समुद्र पहाड़ों के बीच में बनी हुई ये लेक है। बिल्कुल हरा पानी है और जब हम आपकी बोट चल रही होती है और पानी की छींटे आपके ऊपर आ रही होती है तो एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही आनंद मिल रहा होता है आपको। बताया जाता है कि जो ये टिहरी लेक है इसके नीचे पहले 100 गांव हुआ करते थे। टिहरी डैम बना उसके बाद यहाँ पर लेक बनी और उससे पहले यहाँ पर जो 100 गांव थे उनको हटाया गया। यहाँ पर बोटिंग का शानदार एक्सपीरियंस टिहरी लेक पर, उत्तराखंड में खूबसूरत पहाड़ और लेक पर पड़ती हुई सूरज की किरणें और ऊपर से आती हुई हल्की हल्की बुछारे हमारी तरफ। उन्होंने 300 रुपये चार्ज किए थे एक आधा घंटे की राइड के लिए। आई थिंक दैट इज़ अ रीजनेबल अमाउंट। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लिया और अब ये वापसी की तरफ। ये किनारे पे खूबसूरत छोटी छोटी मछलियाँ। ये लंगर की तैयारी हो चुकी है और यहाँ बैठ करके हम लंगर कर रहे हैं। हाँ जी बाजी, पार्टी प्लेट बहुत माल है। और एक तरफ झील, ऊपर आसमान, दूसरी तरफ पहाड़। ऐसा बहुत ही कम मौका मिलता है जब इस तरीके से हमें कुछ खाना खाने को या लंगर करने को या प्रसाद चखने को या खाना खाने को लंच को मौका मिले। ये देखिए सब कितना मिल बांट करके अपना प्रसाद चख रहे हैं। पीछे बस के पीछे हमने पूरा अरेंजमेंट हो रखा है। यहाँ पर यहीं पर लंगर की तैयारी हो रही थी। यहाँ पीछे कुछ दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ पे बैठ करके आराम से कुछ खाने के लिए, स्नैकिंग करने के लिए। यहाँ से अब हम चल पड़े हैं श्रीनगर के लिए। अंधेरा हो चुका है और ये श्रीनगर पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। श्रीनगर आ चुके हैं, ये श्रीनगर की मार्केट है और आज का नाइट स्टे यहीं पे रहने वाला है हमारा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।